नमस्कार, मैं हूं मनिंदर कौर। स्पिरिट ऑफ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालें आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीकुंड के पास हाईवे पर संदिग्ध वस्तु देखे जाने पर सेना ने क्षेत्र की घेराबंदी कर यातायात रोक, जांच की शुरू। ट्रक चालक से रिश्वत मांगते ट्रैफिक कर्मी का वीडियो हुआ वायरल, कांस्टेबल निलंबित। केंद्रीय एजेंसियों के कसते शिकंजे और वादी में खिसकते आधार के बीच अलगाववादियों का कश्मीरी पंडितों के प्रति प्रेम, लक्ष्य केवल यही अपनी सियासी जमीन बचाई जा सके। आतंकवादी बुरहान वानी की बरसी पर घाटी को डराने की साजिश, खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकवादी एक बार फिर पुलवामा में बना सकते हैं सुरक्षा बलों को निशाना। शुक्रवार को बालटाल पहलगाम रास्ते से 16,745 तीर्थ यात्रियों का जत्था हुआ रवाना, साथ ही बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या पहुंची 67,228। यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बजट पेश किया, मध्य वर्ग खाली हाथ, गरीबों पर उपहार और अमीरों की जेबों पर शिकंजा। क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका मैच आज, विराट कोहली की टीम विश्व कप फाइनल ग्रुप मैच में जीत के साथ शीर्ष पर रहना चाहेगी।